हेलो फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि कोई अच्छा सा कार्टून या कैरिकेचर बनाना है तो कैसे बनेगा, शायद आप किसी बहुत ही अच्छे सॉफ्टवेयर का नाम लेंगे, जैसे कि इलस्ट्रेटर या फिर कोई और दूसरा सॉफ्टवेयर जैसे कि कोरल ड्रॉ आदि। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने सीधे सिंपल पावर पॉइंट में भी कैरेक्टर्स बना सकते हैं, कैरिकेचर्स बना सकते हैं, कार्टून्स बना सकते हैं, बल्कि एनिमेशंस भी बना सकते हैं, तो क्या आपको यकीन होगा? और जब हम पावर पॉइंट की बात करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति ऐसा कर सकता है, यहाँ तक कि आप भी अच्छे खासे कैरिकेचर्स या कार्टून बना सकते हैं। अपने को जब भी आपको ज़रूरत पड़े कोई लोगो की या किसी आइकन की, तो वो आइकन आप खुद बना सकते हैं पावर पॉइंट में, और ये बेहद आसान है। आइए मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ कि पावर पॉइंट में कार्टून या कैरिकेचर कैसे बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले हम कुछ ऐसे शेप्स बना लेंगे जिनका इस्तेमाल हमें बार बार करना है, और वो कलर भी हम चूज कर लेंगे जिनका इस्तेमाल हमें ज़्यादातर करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक ये शेप लेते हैं, सर्कल वाली, जिसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। और इसमें हमें कलर जो चूज करना है वो होगा ये कलर, क्योंकि हम इसका इस्तेमाल करेंगे आदमी के चेहरे आदि के लिए, और इसकी आउटलाइन हम हटा देते हैं। तो एक तो शेप हमने ये ली, दूसरी शेप जो है हम ये वाली लेंगे, तो इसको भी हम यहाँ पर ले आते हैं। और इसमें कलर हमें जो लेना है वो भी कलर यही रहेगा, तो हम सबसे पहले यहाँ जाते हैं और यहाँ से यूज ड्रॉपर लेके और हम इस कलर को कॉपी कर लेते हैं। तो देखा आपने, ये हो गया। उसके बाद हम इसकी भी आउटलाइन हटा देते हैं, नो आउटलाइन, अपना कैरिकेचर बनाना। तो सबसे पहले दोस्तों, ये जो हमने लिया था, ये जो आकृति ली थी हमने, एक आयताकार या इसको कहेंगे वर्गाकार, तो ये वर्गाकार आकृति को हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ ले आते हैं, और ये हमारा कैरेक्टर का चेहरा बनेगा। तो सबसे पहले हमने इसको यहाँ पर लिया है, इसको थोड़ा सा हमने एडजस्ट किया इसका साइज़, और अब हम इसको शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले ये हो गया उसका चेहरा। चेहरे पर सबसे पहले आपको क्या चाहिए होंगे, आपको चाहिए होंगे बाल और कान, और ये मान लीजिए कि ये व्यक्ति जो है चश्मा लगाता है, तो चश्मा चूंकि गोल होता है तो आपको गोल आकृति की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से हमने एक आकृति गोल ले ली, लेकिन चश्मे का जो रंग है वो कुछ और होगा। सबसे पहले तो हमने चश्मे का बनाना है फ्रेम, तो हमने इसको काला बना दिया। उसके बाद हम यहाँ से इसकी कॉपी लेके आए और इसको यहाँ पर लाए और इसको थोड़ा छोटा करा, ताकि हम इसको थोड़ा छोटा करके इसको फ्रेम का रूप दे सकें। अब चूँकि ये जो है पीले रंग का, ये पीली आँखें नहीं होती है, तो हम इसका रंग बदल के सफ़ेद कर देंगे। तो अब आपने देखा है कि ये आँखों के लिए बड़ा अच्छा है, पहली बात। अब उसके बाद हम चलते हैं कि आंखें जो हैं, ये चश्मा हम बना रहे हैं, उसके बाद आंखें भी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको ग्रुप कर लेते हैं, कंट्रोल जी दबाकर ये ग्रुप हो गया, और इसको हम यहाँ पर ले आते हैं इस चेहरे पर। तो ये हुआ एक लेंस, लेकिन ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, और इसकी एक और कॉपी बनाकर हम इसको यहाँ ले जाते हैं। तो ये हमारे दोनों लेंस हो गए, इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं हम। ये दोनों जो हैं इनको थोड़ा सा हम बड़ा करना चाहते हैं, ज़रा सा, ठीक है, इतना चलेगा। तो अब आपने देखा कि ये चश्मा इस व्यक्ति का बन गया, और ये दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा सा चेहरे से बाहर होना चाहिए, तो वो ये हो रहा है। अब चश्मे को हमें जोड़ना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाली जो हमारी आकृति है इसको उठा के लाते हैं यहाँ पर, लेकिन इसका कलर हम कर देंगे काला, और इस आकृति को बना देते हैं बहुत पतली सी, छोटी सी। और यहाँ से इसको उठाकर हम इन दोनों के बीच में लगा देंगे, ये हमने दोनों जो इसके फ्रेम थे आँखों के उनको जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी आँखों की, तो आँखें हमें बनानी है। आँखें भी चूंकि गुल्ली होती है अंदर, तो हम सबसे पहले ये लाते हैं और एक और इसकी कॉपी बनाते हैं। ये हुआ और एक इसकी कॉपी बना ली हमने। अब ये जो कॉपी है ये हमें काली बनानी है, ब्लैक, और ये वाली जो है इसको हम जैसी है वैसी ही रहने देते हैं। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को ऐसे मिलाएंगे, और मिलाकर हम थोड़ा सा इसको और छोटा करते हैं आँख को, और आप देखेंगे कि इसको हम यहाँ से यहाँ ले जाते हैं, बल्कि उसकी ज़रूरत ही नहीं है। इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं हम आँख को,
और इसको यहाँ ले आते हैं। तो आपने देखा कि उसकी आँख बन गई है जो कि चश्मे के भीतर से झांक रही है। अब यही चीज़ हमें दूसरी तरफ भी चाहिए, और चूँकि आँखों का एंगल सेम होना चाहिए तो हम उसको यहाँ ले आते हैं। अब आपने देखा कि इस व्यक्ति की जो आँखें हैं वो दोनों तरफ लग गई हैं और वो एक दिशा में टेढ़ी देख रही हैं। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा और भी इसको और बेहतर बना सकते हैं कि आँखों में थोड़ा सा ग्लिटर या चमक पैदा कर सकते हैं, जैसे कि मैं कोशिश करता हूँ कि इसको हम यहाँ ले जाएं। मान लीजिए इसको रहने देते हैं, हम यहाँ से इसको ले आते हैं और इसको छोटा करते हैं थोड़ा, बहुत छोटा सा, और इसका रंग जो है हम बाद में बदल देंगे, लेकिन फ़िलहाल इसको ले चलते हैं और इसको सफ़ेद कर देते हैं। तो आपको इसको थोड़ा बड़ा करना है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा करके छोटा सा यहाँ पर हमने लगा दिया मान लीजिए, और इसकी एक कॉपी आप यहाँ भी ले आइए। तो ये आपकी आंखें बन गई, लगभग तैयार है। और अब हम वापस इसको नॉर्मल साइज़ में कर लेते हैं अपना कैरेक्टर जो है। तो देखा आपने, ये कैरेक्टर हमारा थोड़ा थोड़ा बनना शुरू हुआ है। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी इसके कानों की। अच्छा, सबसे पहले हम इसके थोड़ा सा चेहरा बढ़ाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा लंबा बना देते हैं इसको। पहले वर्गाकार था, लेकिन अब इसको हमने आयताकार बना दिया। और जब आयताकार बना दिया, अब हमें ज़रूरत पड़ेगी इसके कानों की। तो यहाँ से ये उठाते हैं और इसकी कान बनाने के लिए, लेकिन इसका कान का जो रंग है वो भी वैसा ही होना चाहिए जैसा कि इसके चेहरे का रंग था। तो हम पहले यूज ड्रॉप पर लेके इसको रंग को बदल देंगे। तो ये तो हो गया। अब इसके बाद हमें कान बनाना है इसका, लेकिन कान को कैसे बनाएंगे? इसमें एक ये रंगीन वाला भी हम लाते हैं, क्योंकि अंदर के कान का रंग थोड़ा सा गहरा होता है। तो ये इस तरह से हम ले आते हैं और इन दोनों को यहाँ ऐसे लगा देते हैं। इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं हम, और ये आपके एक कान जो था वो लगभग लगभग उसका गोल सा डिज़ाइन बन गया है। ठीक है, अब इसको हम ग्रुप कर देते हैं, और ग्रुप करके हम इसको यहाँ ले जाते हैं। अब आप देखेंगे कि आँखों को कवर कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ से हम यहाँ इसको यहाँ भी ले जाते हैं दोनों तरफ। और अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को पीछे भेज देंगे। कैसे? हम यहाँ राइट क्लिक करेंगे और उसको सेंड टू बैक कर देंगे, तो ये पीछे चला जाएगा। लेकिन उससे पहले हम ये जो हमने जो कुछ बनाया था इसको पहले ग्रुप कर देते हैं, ताकि ये हमारा बिखरे नहीं। अब हम कानों को यहाँ लाते हैं, और दूसरा कान भी हम यहाँ लाते हैं, और इन दोनों को हम राइट क्लिक करेंगे और सेंड टू बैक में क्लिक करके सेंड टू बैक कर देंगे। तो अब आप देखेंगे कि कान पीछे चले गए। थोड़ा सा अब इसको और अंदर ले आते हैं, क्योंकि ये थोड़ा बाहर दिख रहा है। ठीक है, अब आँखें थोड़ी सी ऊपर लग रही है, और तो कानों को थोड़ा सा और नीचे ले आते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके कान। अब आपको ज़रूरत पड़ेगी बालों की। तो बाल कैसे बनेंगे? तो बाल हम इसी राउंड से, इसी सर्कल से बनाएंगे। हम एक कॉपी इसकी लेके आते हैं, उसका कलर हम कर देते हैं काला बालों के लिहाज से। तो एक लाके हम यहाँ पर लगाते हैं बड़ा सा बाल, और अब इसी की एक कॉपी बनाते हैं। ये कॉपी बन गई, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। कॉपी बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, माउस से सेलेक्ट करके कंट्रोल बटन दबाइए और ड्रैग कर लीजिए, तो कॉपी बन जाती है किसी भी चीज़ की। हमने जो छोटा लिया था उसको यहाँ ले आए, एक और हमने छोटा यहाँ लगा दिया, एक और सर्किल की कॉपी की और इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं साइड में लेने के लिए, और इसको यहाँ ले आए, फिर इसको यहाँ ले आए। अब ये था इसकी एक कॉपी, हम यहाँ इधर ले आए साइड में, और एक और कॉपी लेके हम यहाँ जाते हैं। ठीक है, तो हमने ये कई सारी कॉपियाँ इसकी बना दी, और अब बाल हमारे थोड़े थोड़े दिखने लगे। लेकिन थोड़ा सा बाल, चूँकि उनका शेप अलग होता है, तो हम इसको थोड़ा सा बदल देते हैं, और थोड़ा सा चौड़ा या थोड़ा सा यहाँ एडजस्टमेंट कर देते हैं। अब देखिए, अब थोड़े से ज़्यादा नॉर्मल लग रहे हैं, घुंघराले बाल, लेकिन थोड़े नॉर्मल बाल हैं। अब ये जो कान हैं, इनके ऊपर बाल हैं, तो वो स्वाभाविक है, कानों के ऊपर ही रहते हैं बाल, इसलिए हमें कोई बदलाव करने की ज़रूरत यहाँ पर है नहीं। ठीक है, अब आपको बनाना है इसका नाक। तो नाक के लिए हम ये सर्कल लेते हैं, एक सर्किल की एक कॉपी ली, इसको हमने बहुत छोटा सा पतला सा यहाँ पर ऐसे बना दिया, और फिर इसकी एक और कॉपी हमने बना ली यहाँ पर।
और अब इन दोनों को हमने सेलेक्ट कर लिया और इसको ग्रुप कर दिया ताकि हम इसको यहाँ से ले जाके चेहरे पर लगा देते हैं। तो एकदम जहाँ चेहरे पे बीच की जो जगह है वहाँ पर हमने इसको ले जाके लगा दिया। अब आप देख रहे हैं कि आपको इसका नाक दिखाई दे रहा है, कान बन गए, नाक बन गए, आंखें बन गई, ठीक है। अब हमें बनाना है इसका शरीर। सबसे पहले हम बनाएंगे इसके हाथ, या सबसे पहले हम इसकी बॉडी बना लेते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हमने इसकी एक कॉपी ली, यहाँ पर लगाई, मान लीजिए ये इतनी हमने लगाई। हम इसका धड़ बना रहे हैं तो ये हमने यहाँ तक बना दिया इसका धड़। लेकिन अब धड़ का जो रंग है वो कपड़े का रंग होगा, तो चूंकि हमने सोचा था कि हम कपड़े का जो रंग लेंगे वो होगा हरा, तो हम हरा रंग करने के लिए पहले शेप फिल में जाएंगे और ये ईव्स ड्रॉपर लेके यहाँ क्लिक कर देंगे, यानी ये रंग यहाँ कॉपी कर दो। तो आपने देखा कि ये रंग यहाँ पर आ गया है, तो ये हमारा एक काम हो गया। अब मित्रों, अब हमें बनाने हैं इसके हाथ। तो हाथ कैसे बनेंगे? हाथों के लिए हमने ये बनाया था शेप, जो कि यहाँ शेप्स में लिया था हमने यहाँ से। तो इसको हमने लिया, यहाँ पर एक कॉपी ले आए, इसको थोड़ा सा आकार हमने बड़ा किया, थोड़ा सा चौड़ा और थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि आपकी बाहें जो है वो बड़ी होती हैं। अब इसको हमने घुमा देना है, हमने इसको थोड़ा सा घुमा दिया और हम इसको यहाँ पर ले आए। लेकिन अब भी थोड़ा और घुमाने की ज़रूरत है, ये थोड़ा सा हमने इसको और घुमाया और हम यहाँ ले आए। लेकिन चूंकि अब हाथों का जो आकार था वो दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वो रंग मर्ज हो गया, तो हम इस पर आउटलाइन लगा देते हैं। हम जाते हैं शेप आउटलाइन में और यहाँ पर हमने काली आउटलाइन लगा दी, तो अब ये हाथ दिखने लगा, ठीक है। अब इसकी हमने एक और कॉपी बनाई, जैसा कि आपसे कहा था कंट्रोल दबा कर जब माउस से खींचते हैं तो कॉपी बन जाती है, लेकिन ये वाला जो था, ये हाथ का अगला हिस्सा है जो थोड़ा छोटा होता है कोहनी वाला, तो हमने ये बना कर इसको फिर से घुमा दिया ऐसे, तो ये हमने यहाँ लगा दिया। अब देखिए, अब दोनों चीज़ें मिल गई हैं और ये हमारा हाथ धीरे धीरे बन रहा है। अब इन दोनों को हमें बनाने के बाद अब क्या करना है, ये हमें अपना आगे का हाथ बनाना है, मतलब कलाई वाला हिस्सा बनाना है। तो हम एक बार ये इसको और लेके आते हैं यहाँ पर, और इसको हम यहाँ इसका रंग हमें बदलना पड़ेगा शरीर के रंग के बराबर। तो जैसा आपने देखा था कि हमने शरीर का जो रंग है वो हम ऐसा पीला सा ले रहे हैं थोड़ा, तो हम जाएंगे और सेम कर लेने के लिए वही ईव्स ड्रॉपर यहाँ पर क्लिक कर देंगे, तो हमारा सेम कलर कॉपी हो। इसको यहाँ ला कर हम इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं ताकि ये ऊपर की लेयर में आए और इसको हम यहाँ ले आए, ठीक है। अभी आपको ये दिख रहा है कि अलग से दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ी देर में ये अंदर चला जाएगा, हम इसको सेंड टू बैक कर देंगे, तो ठीक है। मेरे ख्याल से आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि ये कैसे बन रहा है। इसको थोड़ा सा हम और घुमा देते हैं ऐसे, और फिर इसको हम यहाँ ले आते हैं, तो ये हो गया। उसके बाद अब ये तो हुई उसकी कलाई, हमें लगता है घुमाने की ज़रूरत नहीं थी, तो हम कंट्रोल जेड करके इसको वापस उसी पोजीशन में ले आते हैं। ये तो हुई उसकी कलाई, लेकिन अब हमें उसका हाथ भी चाहिए, तो हम इसकी एक और कॉपी बना सकते हैं या फिर हम इसको हाथ को राउंड शेप दे सकते हैं। तो यहाँ से राउंड यहाँ ले आए, लेकिन ये चूंकि बड़ा है तो इसको हमने थोड़ा छोटा कर दिया और यहाँ पे लाकर रख दिया, ठीक है। और थोड़ा सा इसको हमने लंबा कर दिया। अब इसकी एक और कॉपी ली और हमने इसका अंगूठा बनाना है, तो हमने इसको घुमाया और इसको सीधा कर दिया, क्योंकि अंगूठा जो है वो सीधा दिखता है, तो इसको हमने सीधा कर दिया। और इसको हम यहाँ ले आते हैं और इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, क्योंकि हाथ के प्रोपोर्शन में अंगूठा तो छोटा होना चाहिए। और ये रंग जो है ये भी हमें सेम रंग चाहिए, तो हम वहाँ जाते हैं और ये शेप फिल में पहले से ही सेलेक्टेड है, तो इसको हमने कर लिया सेलेक्ट करके चेंज। तो अब आपने देखा कि ये हाथ हो गया और ये इसका अंगूठा हो गया, तो ये आदमी जो है इसके पास दो तीन चीज़ें बन गई हैं। लेकिन अब हम इसको सब कुछ चेक करते हैं और अब हम इसको ग्रुप कर देंगे ताकि ये चीज़ें एक साथ मिली रहें, और इसको थोड़ा आगे ले जाते हैं हम मित्रों, ताकि जगह बने, थोड़ी जगह बन गई। अब इसकी एक और कॉपी हमने बना ली कंट्रोल करके, हमने माउस को ड्रैग किया। अब इसको जब सेलेक्ट हमने किया, हम फॉर्मेट में जाए और इसका जो कोण था वो बदल के इसको रोटेट कर देते हैं, फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देंगे हम। पहले सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पर रोटेंगे फ्लिप हॉरिजॉन्टल, तो हमारा बन गया, ठीक है। तो आपने देखा ही कि ये सब अभी तक बहुत आसान था और आपका धीरे धीरे कैरेक्टर बनता चला जा रहा है। अब कैरेक्टर के बनने से पहले एक चीज़ मैं भूल गया कि पीछे बैकग्राउंड में हमें कुछ डालना चाहिए, तो वो अभी लास्ट में डाल देंगे हम।
तो आपने देखा कुछ चीज़ें यहाँ पर बन चुकी है हमारी। अब इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी इसके कपड़े पहनाने की। तो यहाँ से हमने कहा था कि हम इसका रंग जो है पैंट का ये रंग लेंगे, तो हम ये ले आते हैं यहाँ से उठाकर, इसकी कॉपी बना लेते हैं, वो बेहतर रहेगा। और इसको यहाँ पर हम लगाते हैं। ऐसे, ठीक है। इसके पैंट का हमने थोड़ा सा बना लिया। अब इसके बाद हमें इसी पैंट दो और इसकी टांग बनानी है जो पैंट पहने हुए होनी चाहिए। इसको भी हमें थोड़ा इसको छोटा करते हैं पाँव के लिए, इसको हम लंबा कर देते हैं यहाँ पर इस तरह से। और फिर एक कॉपी और ले हैं और यहाँ पर दूसरी कॉपी लगा देते हैं। लेकिन बड़ा अच्छा सा लग रहा है क्योंकि चौकोर चौकोर टांगे दिखाई दे रही है, तो हम थोड़ा सा और बदलाव करेंगे कि एक कॉपी बनाएंगे और इसमें रंग हम बदल कर यही नीला रंग कर दिया। हम कपड़ा बना रहे हैं तो ये रंग हमने नीला कर दिया। अब इसको हम उठाएंगे और इस लाकर हमने यहाँ लगा दिया। तो अब देखिए, अब थोड़ा सा स्वाभाविकता आ रही है पैंट में, ठीक है। और अब इस पैंट को भी हम करते हैं सेलेक्ट, सभी तीनों चारों कपड़ों को, इसके तीनों चारों अंगों को, और इसको हम कंट्रोल जी करके ग्रुप कर देते हैं। तो पैंट हमारा ग्रुप हो गया, ठीक है दोस्तों। आपने देखा शर्ट बन गया, पैंट बन गया, और अब हमें ज़रूरत है इसके जूते बनाने की। लेकिन उससे पहले हम इसको कुछ खिलाना चाहते हैं, क्योंकि ये जो मैं बना रहा हूँ ये मैंने कहीं ये कैरिकेचर देखा था जिसमें आदमी कुछ रोटी आदि खा रहा है, तो मैं वही बनाना चाहता हूँ। तो मैं इसकी एक कॉपी बनाता हूँ जो अपनी ब्रेड जैसे बनानी है हमें। तो इसको हम यहाँ ले आते हैं, ये एक पेड़ खा रहा है तो इसको ये लाया, तो थोड़ा सा बड़ा कर दिया हमने ब्रेड का साइज़ देने के लिए। साइज़ ब्रेड है ये, ठीक है। लेकिन इसका कलर जो है हमने बदल कर सफ़ेद दिया कर दिया, ये हमने सफ़ेद कलर दिया। ये व्यक्ति सफ़ेद रंग की ब्रेड खा रहा है। थोड़ा सा इसको ऊपर जाते हैं मुंह की तरफ, तो आपको लगेगा कि ये मुंह के पास कुछ है। अब ये जो इसके हाथ हैं, इनको हम दोनों को चुनते हैं और इनको हम ऊपर ले आते हैं। मतलब हम जाएंगे फोर्थ में और उसके बाद हम इसको ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे और ब्रिंग टू फ्रंट कर देते हैं ताकि ये हाथ ऊपर आ जाए। देखा आपने, हाथ इसके ऊपर आ गए हैं ये, और इसकी ब्रेड जो थी सही सलामत है। ब्रेड में हमने कुछ थोड़ा सा एक सोचें कि इसने थोड़ा सा टुकड़ा खा लिया था ब्रेड का, तो हम ये लेते हैं, तो यहाँ ब्रेड के पास ले जाते हैं। उससे पहले मित्रों हम क्या करें कि एक ये जो चीज़ है इसको लाते हैं ताकि हम थोड़ा कटें इसको। तो काटने के लिए हमें एक चौकोर यहाँ पर ये लगाना है, ये लगा दिया हमने, और उसके बाद हमने इसको काटा। इन दोनों को हमने सेलेक्ट किया और उसके बाद हम जाते हैं फॉर्मेट में। फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ मर्ज शेप्स हैं, इसमें हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये सब्ट्रैक्ट दोनों तरह से हो सकता है, जो चीज़ आपकी नीचे, जो चीज़ आप नीचे रखेंगे वो वही अंतिम परिणाम हो जाएगा। तो हमने सब्ट्रैक्ट किया और उसको यहाँ ले आते हैं हम, यानी कि ये टुकड़ा दिख रहा सा खाया हुआ। इसको इतना बड़ा नहीं, हम थोड़ा छोटा कर देते हैं इतना सा, ठीक है। उसको टुकड़ा मान लीजिए या मुंह मान लीजिए, आप जो भी है, और बदल देते हैं। तो हम इसको क्लिक करेंगे और आप जानते हैं कि रंग कहाँ से बदलता है, होम से। यहाँ शेप फिल में जाते हैं और हम रंग थोड़ा सा इसका बदल देते हैं। मान लीजिए हमने रंग सा ग्रे टाइप कर देते हैं, लाइट ग्रे, ठीक है, ये चलेगा। तो ये हो गया। और उसके बाद तो आपने देखा कि इसके हाथ में ब्रेड आ गई है और उसका एक टुकड़ा इसने काटा हुआ है, बल्कि वो कलर भी बुरा नहीं था कि ये कलर रख सक। और इसको दोनों को हम ग्रुप कर देते हैं ताकि ये एक साथ जुड़ जाए। तो ठीक है दोस्तों, आपने ये ब्रेड हो गई, लेकिन ये हाथ जो थी फिर अंदर चले गए, तो इनको हम फिर से बाहर ले आते हैं। हम इसको जाएंगे फुट में और यहाँ जाके हम करेंगे ब्रिंग फॉरवर्ड और ये ब्रिंग फॉरवर्ड। अब हाथ इसके ऊपर आ गए, हाथों थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हमें बदलने की ज़रूरत है क्योंकि साफ दिख नहीं रहा। तो इनको पहले अनग्रुप कर लेते हैं दोनों को। अनग्रुप करने के लिए आप कैसे करेंगे, राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं और ग्रुप में जाके भी कर सकते हैं। और मैं यहाँ गया, ग्रुप पर क्लिक किया और अनग्रुप कर दिया, इसमें भी अनग्रुप हो। इसका रंग मिल देता हूँ ताकि थोड़ा सा हमें दिखाई दे, ये पीला होने से थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा था। तो इसमें हम ऐसा करते हैं कि ये वाला कलर साइड में रखा हुआ है, यहाँ से हम ईज ड्रॉपर लेते हैं और ये रंग देखते हैं। देखिए ये रंग ज़्यादा बेहतर लग रहा है, ये ज़्यादा विजिबल हो गया, ठीक है। अब लेकिन हाथ बड़े अजीब लग रहे हैं, तो हम सबसे पहले इसको चुनेंगे और इसको हम बाहर ले आएंगे, यानी कि ब्रिंग टू फ्रंट। यहाँ से भी आ जाता है ये ब्रिंग टू फ्रंट, देखिए। और इसी तरह से भी हम राइट क्लिक करेंगे और ब्रिंग टू फ्रंट, तो ये ब्रिंग टू फ्रंट कर दिया हमने। ये दोनों चीज़ें, दोनों कपड़े बाहर आ गए और हाथ जो थे वो पीछे चले गए हैं।
अब हमें इसके जूते बनाने हैं, तो यहाँ से जूतों के लिए हम ये इसको लाएंगे, इसको थोड़ा सा कर लेंगे सर्कल को, और सर्कल में हम लाते हैं एक स्क्वायर, और इस स्क्वायर को इसके ऊपर रखते हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था जब हम इसको काटेंगे तो वो हिस्सा जो कि पीछे है वही फाइनल रह जाता है। तो इन दोनों को हम सेलेक्ट करते हैं और हम फॉर्मेट आएंगे और यहाँ पर मर्ज शेप्स में जाएंगे, अब ट्रैक कर देंगे। तो आपने देखा कि ये सबट्रैक्ट हो गया, यानी कि ये जूता बनाने के लिए हमारे बहुत अच्छा शेप बन गया है। इसको थोड़ा सा छोटा, जूते का आकार छोटा है। अब जूते में तस्मे भी बांधे जाते हैं, लेकिन वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल हम सिर्फ ये करते हैं कि एक यहाँ पर मार देते हैं, ताकि कम से कम ये थोड़ा सा शेप दिखे कि हाँ कुछ इसमें है। और ये जो लाइन थी ये नीली नहीं होनी चाहिए, ये हम वाइट कर देते हैं, और इसकी जो आउटलाइन थी वो हटा देते हैं, नो आउटलाइन, और इसकी एक और कॉपी कर देते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि कॉपी हम आसानी से कर पाए, ठीक है। और इन तीनों को हम, इस जो रंग था वो हमें काला करना चाहिए तो वो ध्यान नहीं दिया हमने, ये काला हो गया। इन तीनों को हम चुन लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, एक दो तीन, और इनको ग्रुप कर देते हैं, फॉर्मेट में जाएं और इसको ग्रुप कर दीजिए, ग्रुप। अब हम फिर से इसको नॉर्मल साइज़ कर लेते हैं अपने पिक्चर को, और ये जो था जूता हमने जो बनाया था इसकी एक और कॉपी बनाकर इसको इधर ले आए, लेकिन उसका हमें एंगल बदलना होगा क्योंकि अब कोण बदल जाएगा, उसको हम थोड़ा सा नीचे ले आते। तो दोस्तों ये काफ़ी हद तक हमारा जो इंसान था वो बन गया है आपके सामने है। अब हम ऐसा करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हमको जो करना है वो इसका बैकग्राउंड करना है। तो अब ये जो चीज़ें थी हमारे मतलब की नहीं है, इनको हम साइड में लें, और इसको सारा जो शेप था इसको हम सेलेक्ट करते हैं और इसको ग्रुप कर देते हैं, ग्रुप, ताकि हम इसको अलग ले जाकर रख सकें जितनी देर हम इस बैकग्राउंड पे कलर करेंगे। तो इस पर कलर करने के लिए राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट, और यहाँ हमें बहुत सारे कलर दिखाई देंगे, तो उसमें से कोई भी अच्छा सा कलर हम ले सकते हैं, या फिर हम कोई ग्रेडियंट फिल ले सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा फिल फिल को, और हम इस कैरेक्टर को यहाँ से यहाँ ला के खड़ा देता है। तो अब आपने देखा कि आपके सामने आपका कैरेक्टर बनकर तैयार है, इसको हम कोने में ले जाते हैं, और अब थोड़ा सा हम ऐसा करते हैं बादल बना देते हैं कुछ समय। तो उसके लिए हमें ये होगा, ये जो हमने बनाया था इसका पहले कलर बदल कर, इसकी कॉपी पहले ले आते हैं और इसका कलर बदल कर हम वाइट करते हैं, ये वाइट हो गया, ठीक है दोस्तों। इसको लंबा करने की बजाय थोड़ा बड़ा करना है हमें, ये बड़ा हो गया। इसका एक कॉपी और कर लेते हैं, ये कॉपी थोड़ी छोटी कर दीजिए, यहाँ लगा दीजिए, फिर एक और कॉपी यहाँ पर कर दीजिए, फिर एक यहाँ कर दीजिए, फिर यहाँ कर दीजिए, फिर एक यहाँ कर दीजिए, फिर एक यहाँ कर दीजिए, और अब एक छोटी कॉपी करके यहाँ ले जाइए, ठीक है। तो एक बादल बन गया, फिर एक और बनाते हैं हम, यहाँ चाहें तो इसका एंगल देते हैं, ठीक है। तो आपने देखा ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि हमने पावर पॉइंट में वाकई एक कैरिकेचर बनाकर आपके सामने रखा। हो सकता है कि ये हमारा चूंकि पहला प्रयास है तो थोड़ा सा आपको कच्चा लगे, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे दो चार बार में बहुत अच्छे कैरिकेचर्स हम इसमें बना पाएंगे। और ये जो कैरिकेचर आपने देखा, इसकी प्रेरणा मुझे एक दूसरे चित्र से मिली थी जो ठीक ऐसा ही किसी ने बनाया था, और मैंने कोशिश की कि क्या मैं उसको रेप्लिकेट कर सकता हूँ, उसकी मैं प्रति बना सकता हूँ। तो हमने बनाकर देख लिया कि वाकई हम ऐसा कर सकते हैं, और वो भी पावर पॉइंट में। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और फ्यूचर में भी आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसका तरीका बहुत आसान है, इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, उसको क्लिक कर दीजिए, और उसके पड़ोस में एक बेल आइकन है या घंटी का निशान है, उस पर भी उंगली से टैप कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।